आप लोगों ने चींटियों को तो लाइन में चलते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह हमेशा लाइन में ही क्यों चलती है? तो आइए जानते हैं चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। चींटियों को करीब से आपने देखा होगा और इन नन्ही जीव की कड़ी मेहनत से भी आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि चींटी एक ऐसी जीव है जो हमेशा वयस्क ही दिखाई देती है और कई बार तो बहुत सारी चींटियां लाइन में चलती हुई भी नजर आती हैं। ऐसे में इस दिलचस्प प्राणी के बारे में जानकारी लेना इसलिए आज बात करते हैं चींटियों के बारे में। भले ही हम केवल लाल और काली चींटी के बारे में जानते हो, लेकिन दुनिया भर में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं। छोटी सी दिखने वाली चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन भी उठा सकती है। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से ही शोर का अनुभव करती हैं। चींटियां सामाजिक प्राणी होती हैं जो कॉलोनी में रहती हैं। इस कॉलोनी में क्वीन मेल की चींटी होती है और बहुत सारी फीमेल वर्कर चींटियां होती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। रानी और मेल चींटी के पंख होते हैं जबकि वर्कर चींटियों के पंख नहीं होते हैं। कॉलोनी में रहने वाले कुछ मेल चींटियों का काम क्वीन के साथ मीटिंग करने तक ही सीमित होता है और इसके बाद वो बहुत जल्द मर जाते हैं। रानी 30 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहती है। रानी चींटी के मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और केवल कुछ महीने तक ही जीवित रह पाती हैं। चींटी के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए चींटी के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चींटियां लाइन में चलती हैं क्योंकि इनकी लीडर द्वारा फेरोमोन रसायन स्रावित किया जाता है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उसके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। उम्मीद है सच की दुनिया में आपने ये तो जान ही लिया होगा कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।